ਕੰਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी वीरका साहब, आप आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके आए हैं, क्या मुलाकात रही? देखिए, मुख्यमंत्री जी से आज निवेदन किया गया है कि ये जो किसानों का मामला है, किसानों की तकलीफ है और जो केंद्र ने एक दस्तखत किए है किसानों के डेथ वारंट पे, उसके लिए आपकी ओर पूरा देश देख रहा है, देश के किसान देख रहे हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह से हमने मांग की है कि जैसे पानियों के मुद्दे पर आपने बिल लेकर के आए थे और केंद्र का बिल रिजेक्ट किया था और अपना एक्ट बनाया था, ऐसे ही जो दलितों का अगर मुद्दा आया 2006 में आपने उनके हक में एक्ट बनाया, तो आज भी ज़रूरत है कि विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाए और फौरी तौर पे इस बिल को, किसानों के बिल को रिजेक्ट किया जाए और अपना एक्ट बनाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो केंद्र में बात भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बात कर रहे हैं और जल्दी हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इसके खिलाफ और विधानसभा का सेशन भी जल्दी बुलाने जा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है।